आपने इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर कई वीडियोस देखी होंगी। आजकल कई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया के माध्यम से स्टॉक्स खरीदने और ट्रेडिंग की सलाह देते हैं। साथ ही इन फिन इन्फ्लुएंसर्स के ट्रेडिंग कोर्सेज भी काफी पॉपुलर हैं। लेकिन किसी भी प्रोफेशनल नॉलेज के बिना ही ऐसी जानकारी काफी घातक साबित हो रही है। इन इन्फ्लुएंसर पर लगाम लगाने के लिए सेबी की ओर से नए फ्रेमवर्क पर भी काम कर रही है। बाप ऑफ चार्ट नाम से मशहूर मोहम्मद नजरुद्दीन अंसारी के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद सेबी ने स्टॉक मार्केट में डील करने पर बैन लगा दिया है। इसके साथ ही उसे 17 करोड़ रुपए के आसपास लौटाने का आदेश दिया गया है। फेमस नसरुद्दीन अंसारी अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चलाता था और इसके यूट्यूब चैनल के 4.4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जबकि ट्विटर पर उसे 78,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। आपको बता दें कि सेबी ने अपनी जांच में पाया कि 1 जनवरी साल 2021 से 7 जुलाई साल 2023 तक बाप ऑफ चार्ट को करीब 3 करोड़ का ट्रेडिंग में नुकसान हुआ है, जबकि वह क्लेम करता है कि उसे 200 से 300% का फायदा हुआ है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपको हमेशा सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या स्टॉक एनालिस्ट की सलाह पर ही आपके शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलो और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।